उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की गजरवाला CHC का स्वास्थ्य जानने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री ने आज यहां का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने घंटों तक अस्पताल परिसर में सभी वार्ड से लेकर टॉयलेट, पानी की टंकी आदि का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में दवाई लेने आए मरीजों से अस्पताल की तरफ से मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी की। हम आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को लेकर जितने सशक्त नजर आ रहे हैं, वहीं उनके मंत्री भी काफी सजग दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की गजरवाला CAC में भी आज देखने को मिला, जब प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग अमरोहा जनपद के गजरवाला CHC का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो स्वास्थ्य मंत्री को देख स्वास्थ्य कर्मचारियों व अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने गजरवाला CHC निरीक्षण के दौरान शौचालय की साफ सफाई का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों के वार्ड में जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी की और साथ ही अस्पताल की तरफ से मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एक मरीज ने बताया कि गजरवाला शहर नेशनल हाईवे पर स्थित है, जिसकी वजह से यहां पर सड़क दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं। कभी कभी तो 108 एम्बुलेंस की भी कमी पड़ जाती है और समय पर मरीजों को इसकी सुविधा भी नहीं मिल पाती है। इस पर राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने गजरवाला CHC को नई 108 एम्बुलेंस देने की भी बात कही। साथ ही मंत्री ने अस्पताल में मरीजों को मिल रही अच्छी सुविधा और साफ सफाई को देख अस्पताल के स्टाफ की पीठ भी थपथपाई। इस दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग के साथ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा रमेश चंद्र शर्मा और स्थानीय विधायक राजीव तरारा भी मौजूद रहे। बार हम लोगों ने ये तय किया था, योगी जी ने ये तय किया था कि अब की बार बरसात के बाद जो संचारी रोग के लिए आपने देखा कि भाई हमने जनता के बीच भी हम लोग कहेंगे स्वच्छता अभियान रखो, मच्छरों को मारो। और अभी भी आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी दूँ, गोरखपुर की तरफ, देवरिया की तरफ जापानी बुखार हुआ करता है, 75% की कमी आई, कितनी 75% की वहाँ कमी आई। डेंगू बुखार का यदि आप आंकड़ा लोगे पुराने टाइम का, ठीक है, तो यदि कानपुर में हुआ, थोड़ा बहुत लखनऊ में भी हुआ, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है, लेकिन वो मात्रा कम है और ये भी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, थोड़ा सा जनता को भी पहल करनी पड़ेगी कि लार्वा ना आने दें, पानी के ऊपर मच्छर ना आने दें, खुले में पानी इकट्ठा ना हो, कूलर में पानी ना हो, ये सब बातें जो है। तो इसके लिए जो आपके चैनल हैं, आपकी जो मीडिया है, जो भी है, आप लोगों ने बहुत मदद सरकार की, जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए आप लोगों ने भी काफ़ी प्रयास और मेहनत करी है। तो आप और हम मिलकर हम बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करेंगे। गांव-गांव, गली-गली में हमारे जन पूरा संकाता है, पूरा मक्का जाल फैला हुआ है, आए दिन देखा गया जच्चा उच्चा की मौत, एक बड़ी समस्या है जो दिन में पूरा करते हैं। सर ऐसा ही एक हाल में मामला ये राणा क्लिनिक है सदरलीपुर रोड, उसमें हर साल 2-3 मौत होती है बच्चों की, बूढ़ों की, कई बार विवाद हो गया। मैं आपसे लोगों से हाथ जोड़ने की विनती करता हूँ, अभी आप लोगों ने यहाँ की जो CAC है उस पर लगभग दृष्टि इस पर रखा है, आपके सामने डॉक्टर बैठे हैं, बेड खाली है, हमने कब मने करा कि हम उनकी प्रसूति नहीं करें। लड़की पैदा होती है तो 6,000 रुपया मिलता है, 7,500 रुपया। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही जच्चा का, रंगीन महिला का आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सरकार उसे अपने कंट्रोल में ले लेगी, उसकी देखभाल कंट्रोल से वाला, उसकी देखभाल, उसके खाने पीने की व्यवस्था होगी, उसकी जांच की जाती है, लगातार जांच की जाती है, ठीक है, और उसको आर्थिक कठिनाई ना हो उसका भी ध्यान रखा जाता है, उसको बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था करते हैं। प्रसूति के बाद में यहाँ पर बोर्ड लगे हुए होंगे, ले लगे तो लगवा देना आप, कि 4 बार उसको फिर आना है चेक कराने के लिए, उसको हर तरह की दवाइयाँ गोलियाँ पौष्टिक दी जाती है, तो फिर क्या कारण है लोग झोला छाप के बाद जाते हैं, ठीक है जी। तो इसे आप, ये जो सामाजिक जानकारियाँ हैं, ये जब तक समाज के अंदर तक नहीं जाएंगी, तो जब तक इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास हमारा जारी रहेगा और लोगों को समझाने का प्रयास। तो सर नोडल अफसर भी इसका कोई लोग जागरूक करें, भी नोडल अफसर बनाए गए, नोडल अफसर जो है कराती दी जाती है कर रहे हैं। अच्छा फिर भी वो जागरूक, मेरी बात बताओ भाई कि भाई
हम लोग समझा तो सकते हैं। अच्छा, लोग जोशी के पास क्यों जाते हैं, झाड़ फूक वाले के पास क्यों जाते हैं? एक बाबा टेलीविजन पर आता था, वो बिस्कुट खिला के गुल्लक पे खिला के इलाज कर रहा था, या उन्होंने कैसे समझाया, तो पढ़े लिखे ठीक है। तो ये तो हमारा भी जागरूकता ही कर सकते हैं भैया, इसके अलावा तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे।